फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपकी स्किन में ग्लोइंग नहीं है, डल है, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, एक्ने का इशू हो रहा है, लिप्स ड्राई हो गए हैं, आपको सन टैन हो गया है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया, अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे ये कैसे मैंने लुक क्रिएट किया मैंने शेयर किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। आइस फेशियल के बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स देखते देखते हम ये देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा आइस क्यूब यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपके चेहरे डल है, ग्लोइंग नहीं है, तो सबसे बेस्ट, अगर आप बहुत सारे मास्क DIY ट्राई कर चुके हैं, आपने बहुत महंगी महंगी क्रीम्स ट्राई कर चुके हैं, फिर भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं, बस एक आइस क्यूब लीजिए, प्लेन वाटर वाली आइस क्यूब लीजिए और आप उसे कॉटन के क्लॉथ या हैंकी में फोल्ड करके अच्छी तरीके से जेंटली धीरे धीरे मोशन में फुल एक आइस क्यूब से डेली मसाज कीजिए। इससे होगा ये कि आपकी स्किन में ग्लो आएगा। आइस क्यूब रब करने से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और आप अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो उसके से, और मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा और ये अच्छी आपकी स्किन ग्लो करेगी। नेक्स्ट जो सेकंड बेनिफिट है आइस फेशियल का, वो है कि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो कम होंगे। तो आप नॉर्मल आइस क्यूब से करेंगे उससे भी होंगे, लेकिन अगर आप पोटैटो आइस क्यूब बनाते हैं, यानी पोटैटो जूस को निचोड़ के उसका आइस क्यूब बनाते हैं, आप रोज या खीरे का आइस क्यूब बनाते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल का भी आइस क्यूब बना सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके डार्क सर्कल को लाइटन अप करेगा और जितनी भी आपकी पफीनेस, सूजन है, ये जो आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, जो बैग्स बन जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप प्लेन आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस डार्क सर्कल का इशू है तो फिर आप जो मैंने इतने सारे बताए उसमें से आप कोई भी आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे पिंपल और एक्ने हैं और आइस फेशियल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप कैसे अच्छा है, जब हम आइस फेशियल करेंगे, आप किसी भी आइस क्यूब से कर सकते हैं, आप कोई भी आइस क्यूब से जब फेशियल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल है आपकी स्किन का वो चले जाएगा। उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल से ही तो हमें एक्ने और पिंपल्स होते हैं, तो वो इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यूब होता है वो हमारी एक्ने की स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है, उसकी रेडनेस भी कम करता है और उसे सप्रेस भी बहुत जल्दी करता है। तो अगर आप आइस फेशियल करेंगे, आप बहुत सारे आइस क्यूब्स को बाउल में लेके अपना फेस डिप कर सकते हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ ने दिखाया था, बहुत सारी सेलिब्रिटीज अलग अलग टाइप के आइस क्यूब्स यूज करते हैं। रिसेंटली जो हिना खान है उनने भी बताया था एलोवेरा जेल वाला, जो मैंने पहले भी शेयर कर चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी। तो सोचिए, जब सेलिब्रिटीज अलग अलग टाइप के आइस क्यूब्स यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो हम आइस क्यूब्स तो लगा ही सकते हैं, 5 मिनट का टाइम तो हम अपनी स्किन के लिए निकाल ही सकते हैं। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, अगर आपका मेकअप बिल्कुल ही नहीं दिखता है और आपके पास एक अच्छा प्राइमर भी नहीं है, तो आप मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और ऑयल फ्री बनाने के लिए मेकअप करने के पहले सेम चीज़ आइस क्यूब लीजिए, अच्छी तरीके से फेस में रब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आपका स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो आपका मेकअप ज़्यादा देर टिकेगा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगेगा और फ्लॉलेस लगेगा। आपको प्राइमर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हैक 100% वर्क करता है। जो आइस फेशियल है या आइस क्यूब मसाज है, वो आपके ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप आइस क्यूब रब करेंगे तो आपके लिप्स ड्राई नहीं रहेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ पानी भी पीना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो हाइड्रेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर पानी की कमी होगी तो वो फिर ड्राई हो जाएंगे। तो आप अगर इंस्टेंटली हाइड्रेट करना चाहते हैं तो आइस क्यूब रब कर सकते हैं। बेनिफिट जो आइस फेशियल से होता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो है कि अगर आपकी स्किन टैन हो गई है या सनबर्न हो गया है, तो इसमें आप क्या करिए, आइस क्यूब लीजिए और रब कर लीजिए।
और मुझे एलोवेरा जेल आइस क्यूब बहुत अच्छी लगती है कि एलोवेरा को साफ करके फ्रिज में रख दो, उसे आइस फॉर्म जमा दो और फिर कट करके लगाओ, आपकी स्किन इतनी अच्छी इतनी जल्दी सही हो जाती है ना। और अगर आप एलोवेरा एक्सेस नहीं है आपके पास तो आप रोज़ वाटर की आइस क्यूब बना सकते हैं, वो भी आपके सन टैन को ठीक करती है। आप नॉर्मल आइस क्यूब से भी ऐसे लगाएंगे, डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपके सन टैन या आपको जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे आइस क्यूब्स के सारे ही बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं, मैं सारे ही आइस क्यूब्स बहुत सारे आइस क्यूब्स यूज़ करना पसंद करती हूँ, या अगर नहीं तो प्लेन आइस क्यूब्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।